हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हम टॉप कोडिंग प्लेटफॉर्म एज अ फ्रेशर, जिसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग लिखेंगे कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तो चलते हैं आज की नई वीडियो। तो हम बात करेंगे अपना सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, किस तरह से हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कोडिंग प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैकर रैंक की। सबसे पहले आपको जाना है हैकर रैंक वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो बनाते हैं, चलते हैं इसके बारे में। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है मेरा हैकर रैंक, जिसमें हम लोग एज ए प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी कोडिंग चैलेंज की, जिसमें आप जावा में, पाइथन में अपना कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर, सी, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो एसक्यूएल में। और इसमें एज ए प्रिपरेशन किट भी दी जाती है, जिसमें आपको चैलेंज दी जाती है, इसमें अपना कोडिंग बेसिक एंड इंटरमीडिएट कोडिंग होती है, जो कि एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर है आप, तो इसमें आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक, इसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं आप, एज ए सर्टिफाइड भी हो सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइम, इसमें आपका स्किल सर्टिफाइड भी कर सकते हो आप। इस तरह से आप सर्टिफिकेशन वगैरह अपने यहाँ से ले सकते हो, सर्टिफाइड हो सकते हो हैकर रैंक की तरफ से। और इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कम्प्लीट कर देंगे। इसमें यह कुछ इवेंट्स होते हैं, यानी कि हेयरिंग चैलेंज वगैरह चलते हैं, जिस तरह से ये हमारा 22 जून को हुआ था एक कोडिंग चैलेंज, वुमेन कोडिंग चैलेंज हुआ था। तो ये 22 जून को हुआ था, तो इस तरह से हमारा जो है इवेंट इसमें होते रहते हैं, आप इसमें ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई में इसमें कुछ कंपनी दी जाती है, यानी कि आपका जो हैकर रैंक की जो प्रोफाइल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। इसमें आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, इसमें अपना कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी इसमें स्किल वगैरह एक्सपायर होती है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे जावा में, सी, सी एस, सी एस एस में जावा, एंग्युलर जावा, तो इस तरह से आप अपनी टेक्नोलॉजी वाइज एंड स्किल वाइज अपना इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे एंड इस तरह से आपका ऐसे बैजेस वगैरह भी इसमें कलेक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह से एक मैंने कंप्लीट करके अपना लिंक्डइन पे अपना अपलोड किया था, जिसमें मैंने अपना जावा में अपना वन स्टार कम्प्लीट किया था, तो इस तरह से आप भी अपना शेयर कर सकते हो अपना कम्प्लीट करके। और फिर बात करेंगे अपना नंबर, हमारा दूसरा हमारा लीड कोड चैलेंज पे। तो लीड कोड में अपना देखेंगे इसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आप इसमें प्रोफाइल क्रिएट करोगे, लिंक आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें देखेंगे कि हमारा जो कोडिंग बिगिनर गाइड होती है, इसमें प्रिपरेशन होती है, जिसमें आपको चैप्टर दिए जाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो एज एंड आप इसमें लर्न भी कर सकते हो। इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें जब कंपनी वगैरह को हायर करती है तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से अपना इसमें अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो एंड कोडिंग चैलेंज इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें इसमें ये भी लिखा होता है कौन सी कंपनी कौन सा क्वेश्चन हमें पूछा होता है। तो ये हमारी कंपनी से ट्रेंडिंग कंपनी, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि प्रीवियस जो ये लोग देते हैं, इसमें एज जॉब के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, यहाँ से उसको जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। के बात करेंगे हम अपना कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे अभी कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो वीकली कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई थी ऑलरेडी इस पे, फॉर गिग्स की तरफ से भी होते हैं और इस तरह से लीड कोड पे भी होते हैं। अपना वीकली जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिलहाल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं कुछ, इसमें अपना इंटरव्यू वगैरह भी आप दे सकते हो अपना ऑनलाइन। और इसमें कुछ स्वैग वगैरह भी आप रिडीम कर सकते हो अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आपका जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्वैग वगैरह भी अर्न करते हो, जैसे कि 70 पॉइंट पे ये है, 90 पॉइंट पे ये है, टी सैट है, लीड कोड की तरफ से आप अपने स्वैग वगैरह भी अर्न कर सकते हो अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अपना पॉइंट वगैरह दे सकते हो।
फिर बात करते हैं अपना वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो वेब डेवलपमेंट में अगर अपना इंटरेस्ट है, अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर फ्री अर्न करना चाहते हो, सर्टिफिकेट, तो आपका फ्री कोड कैंप है जिसमें आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अपना वेब डिजाइन सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जावास्क्रिप्ट है, फ्रंट एंड फ्रेम लाइब्रेरी सर्टिफिकेट ले सकते हो, इसमें अगर आप लर्न कर सकते हो अपना वेब डेवलपमेंट के ऊपर। इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो किस तरह से ये एकदम 100% पे जाता है, और इसमें अपना रिजल्ट एनीवन सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो, इससे आपका रिज्यूमे एक अच्छा बिल्ड हो जाता है। ये बात करते हैं ईडीएस की। ईडीएस है जिसमें प्रोवाइड कराता है हवा यूनिवर्सिटी तरफ से, कुछ कोर्सेस होते हैं कंप्यूटर साइंस साइंस की तरफ से, इसमें अपना ज्वाइन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन मास्टर्स डिग्रीज वगैरह भी ले सकते हो के अपने अकॉर्डिंग। के बाद बात करते हैं कोर्सरा की। कोर्सरा पे क्या है कि आप फ्री में इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, एंड इसमें सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन कोर्स आप ले सकते हो गूगल की तरफ से, आईबीएम एंड मेटा की तरफ से आप इसमें सर्टिफाइड हो जाते हो। इसमें कुछ ऑफर वगैरह चलते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रहती हूँ, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर नहीं। इस तरह से इसमें अपना जो है कोर्स वगैरह कम्प्लीट कर सकते हो, इवन अपना जो है सर्टिफाइड भी हो सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम कागल की। अगर आप अगर डेटा साइंस में कुछ डेटा साइंस में अपना नॉलेज भी अगर है आपके पास, या आपका डेटा साइंस में इंटरेस्ट, तो आप कागल वगैरह की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आप डेटा बेस कंपटीशन भी होते हैं, कुछ मॉडल वगैरह भी क्रिएट करते हैं AI एंड ML से, इसमें कुछ कोड वगैरह भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ट्रेंडिंग में ले सकते हो कौन सा जो है मॉडल आपका चल रहा है, इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अपना गिटहब की। तो गिटहब है, अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह को होस्ट करना चाहते हो, तो गिटहब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां जाके जा सकते हो। तो गिटहब में इस तरह से एक प्रोफाइल बना जाती है जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट वगैरह कैसे होस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने इसमें रेपोजिटरी वगैरह ऐड कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो, एंड अपना जो है प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हो। और फिर बात करते हैं हम लोग ना कोडपेन की। कोडपेन एक वेबसाइट है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एज ए फ्रंट एंड में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके में अपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी रहती है, मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो है इसमें अपना कोडपेन में अपना प्रोफाइल बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। इसमें कोडिंग करते हुए अपना जो आपका डेटा रहता है इसमें ऑलरेडी सेव रहता है, तो उसके बाद आप अपना इसमें पिन भी कर सकते हो, जो भी आपने इसमें वर्क किया है सेव भी कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो कहीं। इस तरह से आप इसमें अपना जो कोड पेन अपने इस तरह से अपना HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में अपना कोड कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें HTML CSS में मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, इसमें मैंने अपने कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाए हुए हैं, इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।